बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ आफ के बारे में, अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे हैं, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आफ का क्या सीन है, बिलाल भाई आफ ओपन हो गई हुई है वहाँ पर या नहीं हुई, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को जो है ऑफिशियली न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊँ कि आफ के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियली न्यूज़ नहीं है। मतलब कोई उसका सीन नहीं है कि वो दिसंबर में ओपन होगी या जनवरी में ओपन होगी। मतलब उड़ती फिरती न्यूज़ें ही हैं जो कि मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि कोई कह रहा है 1 दिसंबर को ओपन हो रही है, कोई कह रहा है 1 जनवरी को, लेकिन कोई ऐसा अभी सीन नहीं है। जब इंशाल्लाह ओपन होगी मैं आप लोगों को के साथ ऑफिशियली न्यूज़ शेयर करूँगा, एग्जैक्ट डेट आप लोगों को बताऊँगा, उड़ती फिरती न्यूज़ नहीं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा अक्सर मुझसे फ्रेंड्स जो हैं वो पूछ रहे हैं कि बिलाल भाई हम अक्सर अभी कुछ एम्बेसी में वीज़ा लेने जा रहे हैं, कुछ वहाँ पर अभी अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं इस टाइम पाकिस्तान में, और जिस तरह आपको पता है कि ट्रांज़िट वीज़ा भी है, ट्रांज़िट वीज़ा के लिए भी 7 to 10 days जो है वो लग जाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं यही ब्रादराना भाइयों वाला एडवाइस देना चाहूँगा कि अभी आप लोग बिल्कुल भी मत आएँ साइप्रस में, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, और सेकेंड ये कि आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों का इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में उन्होंने आप लोगों का 500-600 यूरो जो है वो ज़ाया करवा देना। आप लोगों का टेस्ट होगा, टेस्ट में वो कहेंगे कि अभी आप क्लियर नहीं कहें, आप क्लासेस लें, अभी क्लासेस लें, और आपका जो नेक्स्ट जो होगा इनटेक वो मार्च में आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो कोशिश यही करें कि अभी आप लोग जो है बिल्कुल भी मत आएँ, नेक्स्ट सेमेस्टर में डिफर करवा लें। इंशाल्लाह रजिस्ट्रेशन का भी जो इशू आ रहा है, ये डिपोर्टेशन का भी जो इशू आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो मेरी आप लोगों के साथ एक और भी मैं आप लोगों को डिपोर्ट के बारे में बताता चाहूँ कि डिपोर्ट का अक्सर मुझे फ्रेंड्स कहते हैं बिलाल भी डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, मतलब हम पाकिस्तानियों को स्पेशल डिपोर्ट क्यों कर रहे हैं। तो इसका मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि जो 60-80% स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो यहाँ पे आते हैं साउथ साइप्रस के चक्कर में कि हम यहाँ से साउथ साइप्रस भाग जाएंगे, वहाँ पे ऐसा हो जाएगा, वहाँ पे एजेंट, क्योंकि एजेंट लोगों ने बताया होता है कि वहाँ जाके आप लोग यूरो कमाओ, ऐसा करो वैसा करो। तो इन लोगों की वजह से जो ओरिजिनल जेन्युइन स्टूडेंट भी पढ़ने आ रहे हैं वो बेचारे भी डिपोर्ट हो रहे हैं, वो भी बेचारे जलील हो रहे हैं। तो कोशिश करें कि आने से पहले, एक तो नंबर वन तो मैं आप लोगों को रेफ़र करूंगा कि आप 50% स्कॉलरशिप पे हरगिज़ मत आएँ। अगर आप सोच रहे हैं कि आप 50% स्कॉलरशिप पे आके यहाँ पे स्टडी अपनी कंटिन्यू रखेंगे तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कंटिन्यू रख सकेंगे, 100% गारंटीड बात कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये मैं कोई हवाई फायर नहीं चला रहा, अगर आप 50% स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं आप लोगों को कभी भी जो है ना स्टडी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा 3000 यूरो साल की फ़ीस होती है, जिसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी ऐड होती है, 3100-3200 यूरो तक बन जाती है। तो इस फीस को आप एक साल पे कैलकुलेट करेंगे कितनी बनती है, पाकिस्तानी तकरीबन 1,00,000 तक बनती है, और जिस तरह आप लोगों को पता है यहाँ पे जो सैलरीज हैं वो भी लीरा में है। तो बहुत सी चीज़ें अपनी कैलकुलेशंस करके आप लोग फिर स्टेप लेके तो यहाँ पे आएँ, और कोशिश करें कि 75% या 100% स्कॉलरशिप पे आएँ यहाँ पे। और एक अच्छा लिबास की सूरत में एक तरीके से आप लोग एयरपोर्ट पे आएंगे, अच्छी कम्युनिकेशन आप लोगों की होगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को जो है डिपोर्टेशन का भी इशू नहीं होगा। बाकी आप लोगों को पता है जिस तरह मैंने कुछ लोगों को एम्बेसी में भी भेजा था कि जाके अपने हक पे आवाज़ उठाएँ, उनका भी केस अभी एम्बेसी के अंदर ही है। इंशाल्लाह जो ही उनका कोई अच्छा रिस्पॉन्स आएगा मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूँगा। तो बिलाल भाई और इंशाल्लाह कोई अच्छी अच्छी न्यू अपडेट्स आई, कोई न्यू मज़े की इन्फॉर्मेशन हुई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बाकी नवंबर से वैसे ही नेक्स्ट जो इनटेक है उसके एडमिशन्स ओपन हो गए हुए हैं, एडमिशन आप लोगों ने करवाने हो आप लोग करवा सकते हैं, मेरे रेफरेंस से भी करवा सकते हैं, किसी के रेफरेंस से भी आप लोग करवा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको मेरी कहीं पर भी हेल्प की ज़रूरत होगी, सॉलिड क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर आप लोगों को मेरे इंस्टाग्राम पे रिप्लाई मिलेगा। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। लेकिन वही के टाइम सेव करें, मेरा भी और अपना भी, सॉलिड क्वेश्चन करें और इंशाल्लाह आप लोगों को उसका रिप्लाई मिलेगा। बाकी बिलाल भाई से आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आप लोग इंस्टाग्राम पे अगेन कांटेक्ट कर सकते हैं। अब वीडियो का एंड करते हैं मेरी तरफ से भी, और मेरी तरफ से आप सबको टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, मोटिवेट करेंगे इंशाल्लाह, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। नेक्स्ट किसी और अच्छी सी वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।